सकते हैं, वो भी हम लोगों को जानना होगा। और एक बार आने वाले दिन में इस ईटागढ़ विधानसभा का परिवर्तन करना होगा, जागना होगा, उठना होगा, और हम लोग इस परिवर्तन की आवाज को पूरे विधानसभा में घूम घूम कर प्रचार करने का काम कर रहे हैं। चाहे वर्तमान विधायक साधुचरण महतो हो, उसको भी हम लोगों को हिसाब मांगना होगा कि आप दलितों के कभी मसीहा कहलाते थे, लेकिन आज विस्थापित का कितना काम किए, इसका भी आप लोगों को श्वेत पत्र जारी करना होगा। आज वर्तमान में आपका नीचे से लेकर वार्ड मेंबर से दिल्ली तक आपका बीजेपी का शासन चलता है, लेकिन इन लोग जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने किया था, उसी तरह बीजेपी सरकार ने भी करने का काम कर रहा है, बीजेपी और राजस्व सरकार। तो ये भी हम लोगों को जानना होगा, और हम लोग जैसे के तैसे ही हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें किए तो कम से कम 10% 25% भी तो आप धरातल में काम उतरना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अगर आप काम नहीं करते हैं तो उसका भी हम लोगों को खुला विरोध करेंगे, और ईटागढ़ में कम से कम अपना माटी को बचाइए, यही हम लोग जनाब संदेश देते हैं सबको, और इस संदेश को गांव गांव ले जाना होगा कि ईटागढ़ विधानसभा में किस तरह से जमशेदपुर के आदमियों ने राज कर रहा है। चाहे स्वर्गीय सुधीर महतो हो, चाहे अरविंद सिंह हो, वो तो जमशेदपुर के हो, तो बिहार का बांका से आकर यहाँ पर राज कर रहे हैं, इसका भी हम लोगों को सोचना होगा। क्यों राज करते हैं ऐसे ऐसे आदमी आकर, उसको भी हम लोगों को समझना होगा। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते तो ये तीनों क्यों चुनाव जीतेंगे, इसका भी आज देखिए। गुरु जी पूरे झारखंड के गुरु जी है, लेकिन वे भी दुमका सीट से चुनाव हार गए, ये तो जनता का कमाल है, और ये तो जनता का जनादेश है। अगर जनता ईटागढ़ विधानसभा में एक बार मन बना लेगी तो 30 साल का जो गुलामी का जंजीर है, उस जंजीर हम लोग तोड़ने में सफल होंगे। लेकिन हम लोग सबको एकजुट होना होगा, हम लोगों को 2-4 रुपया 2-4 हजार में भूलने का काम नहीं करना होगा, ये काम तब जाके हम लोग यहाँ एक नया सवेरा देख सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर सूर्यास्त की तरह ढके हुए रहेंगे। ये भी हम लोगों का एक काम है, सभी नौजुवक किसान भाई मिलकर। इतना ही कहकर ये यात्रा को हम लोग समाप्त करते हैं, और सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 10 जून तक अगर हम लोगों का प्रखंड मुख्यालय में बीज और खाद का वितरण नहीं करते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे मुख्यालय में, चाहे उसमें विभिन्न तरह का समस्या हो, जिस समय धरना प्रदर्शन होगा, चाहे पेंशन का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे जायजाती आवासीय बनाने का मामला हो, स्टूडेंट का जो भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान के लिए हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से मिलेंगे और उसको ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, और धरातल में आप सच्चाईपूर्वक धरातल में काम करें, और उसके साथ साथ हम लोग विधायक चाहे सांसद जी तक हम लोग इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे, तब जाके हम लोग इस मिट्टी का कुछ परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा हम लोगों का ये जो धन है, ये सारे के सारे बाहर के आदमी लूट कर ले जाएंगे। इतना ही कहकर हम लोग इस बाजार में सभा को समाप्त करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद। मेरा परिचय बहुत लोग